अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अपनी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हूँ। और आज मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको बल्कि जिस जगह पे लेकर आई हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये है जी जामिया मस्जिद रोड। और यहाँ पे हम आज जलेबी इंजॉय करने आए हुए हैं। और जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं, और बहुत क्योंकि ठंड है, और जब भी हमारा दिल करता है कि हम गरम गरम जलेबियाँ इंजॉय करें तो हम यहीं पे आते हैं और यहाँ से जलेबी ख़रीदते हैं। क्योंकि एक तो इनकी जलेबी बहुत अच्छी है ये, और क्रिस्पी है, और ये उसी वक्त आपको गर्म गर्म बना के देंगे। और यहाँ पर आपको रश भी नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश होता है। इनकी इसी जो इनकी ये क्वालिटी है कि एक ये तो इनकी जलेबी मज़े की होती है, बहुत मज़ेदार यमी हैं, और गरम गरम जलेबी आपको उसी वक्त बना के देते हैं। यही इनकी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे रश भी होता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और हम भी अपने बारी के इंतज़ार में खड़े हैं। और ये देखें इन बाबा जी की ये जलेबी बहुत मशहूर है, ये भी आपको गरम गरम जलेबी इसी वक्त बना के देंगे, और इसको फिर वहाँ पे इस वक्त खा के बहुत मज़ा आता है। अभी अरीशा और अशर भी खड़े हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। जब इनकी बारी आएगी फिर इनको भी मिलेगी और ये खाएंगे। और मेरे बच्चों को ख़ास तौर पर ये जलेबियाँ बहुत पसंद हैं, और जब भी हमारा मूड होता है तो हम यहाँ पे आते हैं। तो हमने सोचा आज आपको भी बताया जाए हमारे शहर की जो यमी जलेबी हमें कहाँ से पसंद है, हम कहाँ से खाते हैं। तो जी हम यहीं पे आते हैं और यहाँ से परचेज़ करते हैं और वहीं पे इंजॉय भी करते हैं। हम घर आने का वेट नहीं करते बल्कि वहीं से ख़रीदते हैं और वहीं पे खा भी लेते हैं। गरम जलेबी का तो ऐसे ही मज़ा आता है ना, घर लाते लाते तो ठंडी हो जाती है। ये देखिए गरम गरम जलेबी बहुत मज़े की लगती है जी। अब ये देखें अरीशा भी खड़ी हैं और वो वेट कर रही हैं कब उनको जलेबी मिली और वो भी इंजॉय करें। ये देखें अभी वहाँ पे हम जब हम खड़े थे काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े थे बारी बारी, बल्कि आते जा रहे थे, बल्कि रुक नहीं रहे थे, जो कुछ खरीद के जा रहे हैं तो नहीं आ जाते थे। इसकी यही वजह है कि इनकी जलेबी बहुत टेस्टी है तो काफ़ी रश होता है। और इनके बारे में ये बताऊँ कि कोई बहुत बड़ी दुकान इनकी नहीं है कि जिसे हम कहें जी बहुत बड़ी शॉप है इनकी। इन्होंने बाहर रेडी पे ये जलेबियाँ बनाते हैं, लेकिन अपनी जो है इन्होंने एक नाम बनाया हुआ है इनकी जो स्पेशलिटी आप कह लें कि अच्छी जलेबी बनाते हैं, और अच्छा इनका काम है, टेस्ट अच्छा है, जिसकी वजह से लोग इनके पास आते हैं और ख़रीदते हैं। ये देखें अशर को भी ना अपनी मर्ज़ी से लेनी होती है। आमिर को भी बड़ा मज़ा आ रहा है खा के, और ये रीशा भी इंजॉय कर रही हैं, और अशर को तो खैर इनकी जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मूड ख़राब है इनका क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने खुद लेनी है, मैं खुद निकालूंगा। और ये जो फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा है ये है दीन चाट पैलेस, ये भी उसी रोड पे जामिया मस्जिद रोड पे आप थोड़ा सा आगे आएँ तो ये रोड पे ही ये शॉप है, और ये काफ़ी पुरानी शॉप है और बहुत मशहूर है, इनके दही बड़े बहुत मशहूर हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कुछ स्पाइसी खाने को, तो मैंने कहा चलें हम आज आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखें ये काफ़ी पुरानी शॉप है, मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि वो कहते हैं इनके दही बड़े और वाकई मज़े के होते हैं। ये नहीं है कि पिंडी में कोई और शॉप नहीं है दही बड़ों की, और भी हैं जहाँ पे अच्छे मिलते हैं, लेकिन इनकी एक चीज़ है ये है कि ये ना आपको बहुत अच्छा, इनकी सर्विंग बहुत अच्छी है, और काफ़ी आपको ना यहाँ पे इनके दही बड़े की क्वालिटी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी जगहों पे जाते हैं ना तो आपको वो जो दही वगैरह डाल के देते हैं ना वो अक्सर कम होता है, वो इतना वो नहीं, ये आपको इतना अच्छा प्लेट बना के देते हैं कि खा के मज़ा आता है। और इस शॉप का नाम आपको नज़र आ रहा होगा, पहले आपने देख लिया होगा, ये है ये भी नज़र आ होगा दीन चाट पैलेस नाम है।
अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ विजिट करते हैं तो आपको भी इसकी चाट बहुत पसंद आएगी, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। ये जो शॉप है काफ़ी पुरानी है, इनका एक नाम है, और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि पिंडी में बहुत कुछ बदल गया। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप पहले आपको दूसरी प्लेट्स मिलती थी, अब आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स में देते हैं, लेकिन ये नहीं बदले, इन्हों ये अभी भी आपको स्टील की प्लेट्स में ही चाट सर्व करते हैं। इनकी ये चीज़ है, इन्होंने डिस्पोजेबल नहीं रखी हुई। बाकी हम कहीं भी जाते हैं तो आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स में देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टील की प्लेट्स में ही सर्व किया जाएगा। ये भी आप चाट प्लेट बनाते हैं तो आप देखिए, ऑर्डर तो हमने कर दिया है, अब देखें कब हमें देते हैं ये देखिए, अब ये प्लेट बनाने लगे हैं और आप देखें ये स्टील की प्लेट्स ही इन्होंने रखी हुई हैं। बल्कि मैं इनके बारे में यही कहती हूँ, दुनिया बदल गई ही लेकिन दीन पैलेस वाले नहीं बदले। उनकी वही है प्लेट, वो काफ़ी अच्छी बना के देते हैं आपको, अच्छा दही डाल के देते हैं, और पता है आपको दही भले में दही कम हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। जी फ्रेंड्स, आज मैंने इन दोनों जगह की आपको सैर करानी थी, हमारे पिंडी की बहुत फेमस और बहुत मज़े की ये जलेबी भी और दही भल्ले भी, तो आप इनको देखिए और इंजॉय कीजिए, और जब आपका पिंडी में आना हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगा। और आज तक आज की वीडियो यहीं तक थी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।